10:24 हो रहे हैं। बना दो भाई जल्दी बना दो, बस एक ही पंक्चर है, बन जाएगा तुरंत। वाह वाह, कूटम काटी चल रही है यहाँ पे। व्हाट्स द टाइम? 11:26 हो गए। पहुंच गए क्या नहीं हम लोग टाइम पे? 10:30 बजे नहीं, 10:20 में आपका वहाँ से पंचर बना के निकला मैं, या 10:30 बजे याद नहीं मुझे। घर से जैसे ही निकला ना, देखा मैं पंचर हो गई है। भाई जहाँ है वहीं पर रुक। घर से जैसे ही निकला मैं, देखा पंचर हो गई है। तुरंत घर के नज़दीक जो सबसे पहले था वो वहाँ पर जाके पंचर बना दिया और अलहम्दुलिल्लाह यहाँ पर आ गया। कुछ भी करने से पहले आज सबसे पहले हमारे बच्चे लेके आओ भाई साहब। 3 दिन से आज 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 बोल के नहीं आ रहे, आज आएंगे इंशाल्लाह सब बच्चे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब अपने अभी जा रहे जश्न से मिलके बात बात करके यहाँ पे आया। आज घड़ी भूल गया देखो गड़बड़ में, सवेरे 6:30 बज गए मेरे को सोते सोते। अरे भाई साहब 3 दिन का अभी ये जो स्ट्रेस है, आज की रात जब कम्प्लीट होगी मेरी नींद की, जब ये जाके निकलेगा। गाइज एक सलाह दूंगा यार, माशाल्लाह देखो जब मेरे पास मौका होता है रात में सोने का, रात में नींद कंप्लीट करने का, मैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देता हूँ। 10 से लेके 12 के बीच में मैं सो जाता हूँ और बस एक्शन वाली दुनिया जब जाता हूँ वो टाइम पे मेरा बस वो नींद नहीं हो पाती, क्योंकि मेरी काम है, मेरी मजबूरी है। अगर वो नहीं होता तो मैं वही अपना 10-12 बजे सो जाता। मगर आप लोग का अगर टाइम है और आप लोग नहीं सो रहे हो ना रात में, आप लोग है ना बहुत बड़ी नियामत से महरूम रह रहे हो, मैं तो ये बोलूँगा। सही में रात की नींद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रात के 3 घंटे और फिर वो 6 बजे के बाद सो, उसके 3 घंटे नहीं 5 घंटे भी सो लो, वो 3 घंटों को ना कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो जितना हो सके उतना रात की नींद लिया करो। अगर तुम छोटे हो मुझसे तो एक बड़े भाई की सलाह ले लो, अगर मुझसे बड़े हो तो मेरा तजुर्बा समझ के ले लो। ये देखो माशाल्लाह हमारा बैनर कैसा लगा तुम लोगों को ये बताओ। अभी तक एक भी कमेंट नहीं देखा मैंने ये लोगों के बारे में। ये लोगों के बारे में खासियत है, एक खासियत है इसमें, दो वर्ड है। दो वर्ड कौन से है? अरबिक में दो वर्ड लिखे हुए है, वो कहाँ लिखे हुए और क्या लिखे हुए ये बताओ। अब इससे बड़ा क्या ही हिंट दूं मैं आप लोगों को, बताइए। आज मैं स्ट्रीट हॉक पे आया, जैसे मैं सवेरे उठा मैंने मोबाइल ओपन किया, मैंने देखा मैसेज में मैंने देखा कारी भाई बोल रहे भाई अगर अभी तक निकले नहीं हो तो तुम आगे बढ़ो, आज मैं नहीं आऊँगा, आज तुम स्ट्रीट हॉक पे जाओ। तो हम स्ट्रीट हॉक लेके आ गए और स्ट्रीट हॉक चलाने की इतनी खुशी थी मेरे को। सबसे बड़ी तो इतने दिन बाद स्ट्रीट हॉक चला रहा था, दूसरी खुशी कि ट्रैफिक से बच जाऊँगा। मगर जैसे ही घर से निकला पंचर समझ में आया, तुरंत बना दिया और उसके बाद एंजॉय करते हुए आए हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह कई लोग मस्त बैठे हुए। मोनू भाई ने अपने फाइटर बंद रखा है, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ बंद रखा है और कुछ मुर्गियाँ घूम रही है बाहर, जैसे कि अपना मुर्गा घूम रहा है बाहर अपना देसी वाला, और मुर्गी भी है वहाँ पर घूम रही। अपने को सब बंद चाहिए एक साथ, फिर उसके बाद उनका कुछ प्रबंध किया जाएगा। फिलहाल वेट करते हैं। अपने बच्चों को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, मैंने बहुत दिन हो गया उनको नहीं देखा, ऐसा घूमते होगा तो केज में देख रहा हूँ मैं, उन लोगों ने भी नहीं देखा इतने टाइम से। इंशाल्लाह उनको बाहर निकलवा रहा हूँ, मैं भी देखूंगा तुम लोग भी देखो। मिया आ गए माशाल्लाह, माशाल्लाह कितने दिन बाद, फाइनली कितने दिन बाद। देखो मुर्गियों का पानी पी रहे थे ये लोग, माशाल्लाह कितने दिन बाद, कितने दिन बाद। ये कौन है बॉक्सर, ये कौन है अनारो, कितने दिन बाद फाइनली। ए माशाल्लाह धड़क ली वहां पे जाके। ये देखो ए माशाल्लाह फुल एंजॉय कर रही हो, फुल एंजॉय कर रही। ब्रेक फेल हो गया उसका माशाल्लाह। वो बहुत एक्साइटेड है। ये फिर तीनों एक साथ, हाँ टोकन्स and that is a rare color. Boxer is a rare color, alhamdulillah. इसने अच्छे सिंग निकाल लिया रे, हाँ माशाल्लाह। उसमें रेडिश रेडिश कलर भी है, वो वाइट नहीं है पूरा। कौन सा? इसमें नहीं, इसमें नहीं रेडिश, इसमें ज़्यादा रेडिश है। अलहमदुल्ला बहुत दिन बाद मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देखो। बस थोड़े देर इनको बाहर रखेंगे और फिर डाल देंगे अंदर। वो हमेशा की तरह अपना अलग ही घूम रहे हैं, हमारे आई एम पीज़
हमारे आईएमपी अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी सब लोग, बच्चे चले गए अंदर, फीडिंग का टाइम हो गया हमारा। एवरीबॉडी रेडी मैन। हे कोहिनूर, ए स्टाइलिश है, स्टाइलिश। सब रेडी हो गए देखो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो देते हैं इनको फीड। बोल रही है यार देखो। तो शोएब भाई मिला तुम्हारे को? हाँ मिला ना मेरे। तुम खास ये ढूंढने आए कुरला से? कर्नाटक से? कर्नाटक से। कर्नाटक से? हाँ मतलब लोगों ने तुमको देखे ना पहले भी ब्लॉग में। यू गाइस हैव सीन हिम लॉट्स ऑफ टाइम इन द ब्लॉग्स। ये पहला सब्सक्राइबर मेरा नहीं, दूसरा सब्सक्राइबर है जो मेरे को आगे मिला था अल्यूम पे। पहले तो एक अपने फहीम भाई करके मुमरा के वो मिले थे, और उसके बाद ये कुरला से हमेशा आ जाते थे मिलने के लिए। डब्बा लेके आए थे फहीम भाई। फहीम भाई हाँ, देखो ये अपने कट्टर सब्सक्राइबर्स है। तो ये अभी कर्नाटक में थे तो सवेरे मेरे को मैसेज किए कि मैं ऑन द वे उनके फार्म पे आ सकता, तो मतलब आओ। तो फिर अभी इन्होंने ढूंढ लिए वो क्या पूछ रहा था मैं। तो इनको बताएंगे तुम, क्योंकि आज वाले ब्लॉग में एक जन ने सही गेस कर लिया, मैं कमेंट पढ़ रहा था, सही गेस करे उन्होंने वो भाई ने। तो शोएब भाई तुम ही बताओ क्या है ये लोगों में, वो दो चीजों में ढूंढने बोल रहा था लोगों को। यहाँ पे मीम और काफ है भाई। ये मीम है, ये काफ है, एमके। एमके इन अरबिक। हाँ, सही है ना। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा लग रहा है, वो छोटा वाला यहाँ लगाते तो मजा नहीं आता। अब तुम वो छोटा वाला पकड़े खड़े रहो ना जरा। छोटा वाला देखो उसके सामने क्या लगता है, हंसी आ रही है मेरे को देख के, वो कैसा बना दिया उसने। काउबॉय हैट नहीं पहने आ रहा है। किंग मास्टर की हैट लेके आ जा। ये देखो इसको, देखो इसका साइज देखो। अब शोएब भाई जो हाथ में पकड़ रहे हैं उसका साइज देखो, ये देखो। ये कहा वो कहा, इंशाल्लाह इसको यहाँ पे लगाने का ही प्लान है हमारा। शोएब भाई आए ना तो वही बोले कि यहाँ पे लगा दो भाई, तो इंशाल्लाह वहीं पे लगाएंगे शोएब भाई उसको। अभी कल लेट हो रहा था तो इसके लिए छोड़ दिए थे। दो स्क्रू ड्रिल करने पड़ेंगे वहाँ पे, फिर उसको तार से बांधना पड़ेगा। ये सब कलाकारी तुम्हारा भाई कर लेगा, मगर इतने ऊपर चढ़ेगा कैसे तुम्हारा भाई? नहीं चढ़ पाएगा। चलो लेट्स गेट इनसाइड, आओ थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ। यहाँ से शुरू करो, तुम क्या देखने का देखो बिंदास जाके। ये कहाँ से मंगा? ये अफगानिस्तान से डायरेक्ट इम्पोर्ट हुए, डायरेक्ट अफगानिस्तान से आए ली। अरे मजाक कर रहा हो भाई, ये नज़दीक से आए बहुत। चल आ जा इधर, आ जा चल, अभी तक बंदी है। जाओ घूमो जाओ। आई शाबाश, ताऊ में आ रहा, ताऊ में आ रहा। छोड़ दो भाई, छोड़ दो दरवाजा, छोड़ दो। इनको भी छोड़ देता हूँ, जिनको बंद करना था वो खुले हैं, और जिनको खुला छोड़ना था वो बंद है। इसमें का निकल गए भाई साहब। कैसे है पैरेट बिग? पैरेट बिग असी। हाँ यार सब छोटे, सब पट्ठा है वो अभी से। हमारे ईगल्स कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लोग एग्रेसिव है भाई, लोग इंसान को भी मारते एक टाइम। हाँ तुम जब आए थे ना, जब अपना जो खसियों का बाड़ा है उधर बकरियों का सेटअप था, अब हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, अलग है फार्म का सेटअप। नहीं बोलो जानवर कैसे लगे? जानवर तो एक नंबर है भाई, जानवर अलग है, सब एक से एक जानवर है, शो क्वालिटी है, शो क्वालिटी। चलो फिर शो कर देते। सुल्तान लेके आते बाहर यार, बहुत दिन हो गया, मैंने तुमको बोला ना आज कुछ भी हो जाए सुल्तान को बाहर लेके आएंगे अपन, बच्चे को भी बाहर लेके आएंगे। बच्चे तो आ गए बाहर, अब सुल्तान बचा है, सुल्तान को भी लेके आएंगे बाहर। प्लीज हैव अ सीट, सीट। खाना खाने का तुम्हारे को अभी अपना हमारे साथ इंशाल्लाह। हाँ आज वो कहावत है ना पूरी हो गई, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम लोगों का प्लान था, हम लोगों का नहीं मेरा प्लान था कि दोपहर में भूख लग जाती है तारिक भाई को अपने, मेरे को तो हैबिट है शाम तक के भूखा रहने की। तो मैंने सोचा था खीमा बना के लेके आऊंगा, खीमा बनवाए सब, मैंने बोल दिया था ना ऑलरेडी कि कल मैं जाऊंगा तो खीमा बना के रख देना मैं लेके जाऊंगा। खीमा वीमा बन गए, भाई नहीं आए तो फिर वो थोड़ी ना घर पर रहेगा, तो मैंने साथ में लेके आ गया। ये भाई का फ़ोन आया तो बोला आ जाओ तुम, आ जाओ साथ में खाएंगे। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये कहावत यहाँ पे पूरी सही बैठती है। बहुत अच्छा हो गया ना? बहुत सही है, बहुत अच्छा। और जैसा एम के गोल्ड फार्म और एम के द हाउस ऑफ एमपी, कैसा ये मतलब रिप्रेजेंट करता है ना? सही है, बिल्कुल कर रहा है, पूरा 100% जस्टिफाई कर रहा है। एम के गोल्ड फार्म के बैनर के नीचे आपको बकरे दिखेंगे, बकरे इन द सेंस के कोटा, बड़े बड़े बकरे, गुजरी बोलो, हर चीज बोलो, XYZ। और MK द हाउस ऑफ IMP के बैनर के तले आपको दिखेंगे हमारे एग्जॉटिक, सारे एग्जॉटिक दिखेंगे इंशाल्लाह। कल दिखाए भी हमने, डॉलर का सिर्फ चेहरा दिखाए। कैसा लगा डॉलर, कैसा लगा? अच्छा माशाल्लाह। कितने दांत पे क्या है बताए वो लोगों को? दो दांत पे बताए ना? नहीं बताया मैंने, अभी बता रहे हाँ।
ये दो दांत पे वो चीज अलग है भाई, दो दांत पे जोड़ कैसी लगी? बहुत अच्छी जोड़ है, मैं देखा सानिन बहुत देखा भाई, सानिन का ही शौक है, मेरे खुद के पास में भी सानिन है, लेकिन माशाल्लाह दो दांत के हिसाब से उसकी हाइट लेंथ माशाल्लाह उसकी जोड़ अलग है। उसको अभी एक बकरी से मीट कराया है, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट आएंगे। तो उसके रिजल्ट के लिए पहले अपने को अपनी बकरियां लेके जानी पड़ेंगी चेकिंग के लिए कि प्रेगनेंसी परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो फिर इंशाल्लाह फिर से मीटिंग कराएंगे। अभी जाएंगे इंशाल्लाह ये हफ्ते में या अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे और जाएंगे, अपनी चार पाँच बकरियाँ हैं उनको सब कुछ चेक कराएंगे। और मैंने बताया ना थोड़े दिन पहले एक भाई की बकरियाँ आ रही है तो वो भी बकरी इंशाल्लाह साथ में लेके जाएंगे, तो सब बकरियाँ साथ में चेक होगी और पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी, पता हो जाएगा कि कौन सी बकरी प्रेग्नेंट है और कौन सी नहीं है, फिर उस हिसाब से उस पे काम चलेंगे आगे के। ब्रीडिंग सेटअप जो चलाता है ना उसको ये सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है। बकरों में इतना टेंशन नहीं है, बकरों में क्या टेंशन आता है, फीड ज्यादा हो गया, फीड कम पड़ रहा है, वेट नहीं गेन कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मगर बकरियों में इतनी सारी चीजें है शोएब भाई, मतलब तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी फिर भी तुम सीखते ही रहोगे। और जिसने बोल दिया कि मैं सीख चुका हूँ सब कुछ, फिर उसकी लंका लग गई। दरवाजा बंद करना, दरवाजा वाला, और छोड़ दे अबे डर रहा मुर्गी को। फाइनली बाहर आ गया हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, व्लॉग में मेरा गुमान था खाली, क्या शायद है, कुछ भी नहीं है। ऐ माशाल्लाह जो मुफासा के साथ में बोर लाए थे वो इतना ही छोटा था, इससे बड़ा इतना ही छोटा था, मस्त है। ऐ माशाल्लाह कितना सा आया था चिराटा वो। माशाल्लाह इसको पालेंगे अपन, और पालेंगे इंशाल्लाह। ये जॉगिंग कर रहा हो, जॉगिंग नहीं रनिंग कर रहा हो। माशाल्लाह छोड़ दो उसको अपने हाल पे, जा तू तेरा काम कर ले जा। ज़्यादा वेट पे आएगा तो कुछ इशू नहीं है, कुछ इशू नहीं इंशाल्लाह, कुछ इशू नहीं। मैं पब्लिक के सामने ही रहेगा ना, कुछ इशू आएगा तो फिर जब कुर्बान हो जाएगा। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, सिंह भी अच्छी छोड़ा उसने। अंदर जाने का देखो उसको, माशाल्लाह कैसा परेशान हो गया देखो अंदर जाने के लिए, बार बार जाके ना खड़ा हो रहा है वहां पे कि दरवाजा खोलो मेरे को अंदर जाने दो। जो अपना सेकंड सुल्तान था ना जो गोट रूम पे था उसकी याद दिलाता है ना ये, पहला वाला जो सुल्तान था अपना जो खस्सी था वैसा नहीं आएगा, उसको मिलता जुलता आ जाएगा मगर वैसा नहीं आएगा, वो अलग था भाई। वो लोग सोचते कि वैसा बनेगा या वैसा आ जाएगा मगर वो रेयर था, वो रेयर ही रहेगा, वैसा नहीं आएगा। कितना केजी पे था भाई, 120 पे था वो? नहीं 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 110 पे था, वजन किया ही नहीं ना उसको अपन ने, 120 किलो तो नहीं था, इतना तो गारंटी है, कम ही था। उसको वजन का किया अपन ने कभी? अपने पास कहा था वो टाइम पे वेइंग स्केल वगैरह कुछ? उसको दूध पिलाते थे रात में, एक मेवाती और एक वो था, एकदम पहले की बात कर रहे हैं जब गोट रूम पेट रूम था, पेट रूम था, मेवाती था वहाँ पे। वो जो सुल्तान था ना वो जब मैंने लेके आया था गोद में उठा के लेके आया था उसको मैंने, और उसको वो टाइम पे बॉटल से दूध पिलाता था मैं जैसा अभी बच्चों को पिलाता ना वैसा, और उसके बाद उसको सामने घमेला रख देता था। मतलब जब से उसको लिया मैंने दो तीन दिन जब दूध उसको नहीं पिलाया लेके आने के बाद, उसके बाद से जो दूध पिलाया वो मेरे पास से जिस दिन जा रहा था ना उसके आखिरी दिन तक भी जो है ना उसने दूध पिया अपने घर पे अलहमदुलिल्लाह। ब्लॉग नंबर 2 या 3 में या 4 में शायद तुमने बताया था। अच्छा एकदम इनिशियल है वो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट से लेकर 1 से 10 के बीच में बताया था। वो मेवाती भी तो ऐसा बिक गया था कि जैसा कोई आया देखा पसंद आ गया मतलब जा लेके, उसको दरवाजा खोलेंगे तो भाग जाएगा मगर मेरे को उसके दांत चेक करने गए कैसे है, तो इसके लिए नाटक कर रहा है अभी वो। अरे जल्दी कर, जल्दी पकड़, लेंडी कर रहा है, जल्दी पकड़ आप, अरे पकड़। अच्छा भाई देखो कितने दांत है भाई, सिंह तो अच्छी कर लिया इस तेरे।
दो का एक तोड़ रहा है अभी, जा तोड़ रहा है जा। चार जगह है, डालना जरा वजन भी देख लेते, जा लास्ट मेरे को दे, चालू कर मशीन बुद्धि वगैरह, तेरे को देखा ना जरा, रुक जरा तू, कैसा जा रहा समझ में तो आए, पकड़। फिर भी इसका फीड कम किया हो ना, तो खाने में तो एकदम राक्षस है ये। ए भाई देखो, ये नस्ल जो है ना, ये मीट परपस की नस्ल है, ये बढ़ते ही है माशाल्लाह भाई। 40 किलो निकाल, अच्छा अच्छा हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। लग रहा है 40 किलो नहीं लगता है, बोर है ना, बहुत ठोस रहते। जा लेके बेटा जा, नहीं नहीं लेके चले जा, बंद कर दे, क्या करता छोड़ के। अभी कितने किलो पे आया था मालूम है ये? ये कुछ तो 18 या 20 किलो पे आया था, 22 किलो पे, क्या है मेरे को याद नहीं, 18 से 22 किलो पे आया था ना, 22 किलो पे आया था ये, 18 किलो गेन किया है इसने। अच्छा बोर अच्छा गेन करते, अच्छा गेन करते माशाल्लाह, मगर एक सर्टन वेट के बाद जाके ना रुक जाते हैं, मगर ये जाएगा इंशाल्लाह, 80 किलो भी होगा तो मस्त हो जाएगा। फुल तैयारी, फुल तैयारी। इसका काम हो गया, वो बाहर चले गया, इसका काम शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ आ गया। एक्शन वाली दुनिया वाला लैपटॉप लेके बैठा हूँ मैं, बस सब प्रक्रिया शुरू है फिलहाल। मैं तो काफी पहले ही आ गया हूँ फार्म पे से घर पे, तो अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए। तो इसी बात पे ये ब्लॉग को समाप्त करने का समय आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते से प्लीज हाथ का रविता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। Busy, busy, busy.